नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पांच तरीके की सिलाई लगाना सिखाएंगे, जैसे लोटपोट सिलाई, सुल्तानी सिलाई, होजरी पे सिलाई, जरासीम वन, जरासीम टू। ये सारी सिलाइयां हम आपको इस वीडियो में लगाकर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कौन सी सिलाई कहाँ पर लगाना चाहिए। चले वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोटपोट करके दिखाते हैं कि लोटपोट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों पल्ले हम सीधा की तरफ से रखेंगे, यानी कि हम सीधा की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सिलाई में हम मार्जिन लेंगे एक सूत का। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक सूत का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिए। अब इसको हम पक्का कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम नाखून मार देंगे तो और अच्छा होगा। फिर हम इसको यहाँ पर दो सूत का सिलाई लगाएंगे। जब हम दो सूत का सिलाई यहाँ लगाएंगे तो पहले वाला जो मार्जिन है हमारा वो बिल्कुल ढक जाएगा। तो ये होता है दोस्तों लोटपोट सिलाई। तो ये सिलाई हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ओवरलॉक का सुविधा नहीं है, वहाँ पे ये सिलाई लगाते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लग गया। चलें दूसरा सिलाई लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सुल्तानी सिलाई लगाएंगे। तो सुल्तानी सिलाई हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे आर्म होल स्टिचिंग करते समय और साइड स्टिचिंग करते समय। तो हम दोनों को स्टिच करके सिलाई लगाकर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मोके टाइप पर हम बना कर दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से मान लीजिए शोल्डर हम ज्वाइंट कर लिए। अब हम आस्तीन जो चढ़ाएंगे कच्चा करेंगे, तो कैसे कच्चा करना है तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम आस्तीन को नीचे रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम से कम तीन सूत हम बढ़ती रखेंगे आस्तीन को, यानी कि नीचे वाले पल्ले को बढ़ती रखेंगे और उतना ही हम फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना होगा दोस्तों कि आस्तीन को हम थोड़ा सा लूज रखेंगे। इस तरीके से हम आस्तीन को थोड़ा सा लूज रखेंगे और बॉडी को थोड़ा सा टाइट करके स्टिचिंग करेंगे, यानी कि सिलाई करेंगे, जब भी हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें। इस सिलाई को करते समय हमें खास ध्यान देना होता है दोस्तों कि सिर्फ हम नीचे वाले पल्ले को ही फोल्ड करेंगे, ऊपर वाले पल्ले से बिल्कुल हमें फोल्ड नहीं करना होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे सिर्फ हम नीचे वाले फैब्रिक जो है आस्तीन है उसी में से हम फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे हम साइड भी लगाएंगे तो इसी तरीके से साइड को भी हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों अगर मान लीजिए हमें दो सूत का स्टिचिंग करना है ऊपर से, तो हम यहाँ पे तीन सूत का फोल्ड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आस्तीन कच्चा हो गया। अब हम इसको पक्का करके दिखाते हैं। तो पक्का करते समय खास ध्यान देना होता है कि जब भी हम सिलाई लगाते हैं, स्टिच करते हैं, तो बॉडी की तरफ सिलाई ले जाएंगे। तो इस तरीके से मार्जिन को हम बॉडी की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पैर की सिलाई हम लगाएंगे, जैसे दो सूत की सिलाई हम लगाते हैं इस पर। आप चाहें तो इस पर लव का भी सिलाई, यानी कि डबल स्टिच भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आर्म होल पे बहुत सी सिलाई तीन सूत का होता है, तीन सूत की सिलाई अच्छी लगती है, तो आपको अगर तीन सूत की सिलाई लगाना है तो आपको कम से कम चार सूत, साढ़े तीन सूत का कच्चा करना पड़ेगा। पैर के सिलाई इस तरीके से लग चुका है। अब हम इस पर एक और लव की सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं, जैसे हम डबल स्टिच कहते हैं इसको। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल लब पे हम सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो इस तरीके से आप स्टिचिंग कर सकते हैं। चलें अब इसका हम साइड भी लगाकर दिखा देते हैं आपको। साइड ज्वाइंट करते समय भी हमें ध्यान देना होता है दोस्तों। तो जैसे ये फ्रंट हो गया, यहाँ बैक हो गया, अब इसको हम फ्रंट की तरफ से फोल्ड करेंगे। यहाँ भी हमें कम से कम तीन सूत फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से हम सिर्फ फ्रंट में से फोल्ड करेंगे तीन सूत। इस तरीके से सिलाई लगाने के लिए दोस्तों हमें एक काम और करना होता है। जैसे हम कटिंग करते हैं शर्ट की, तो फ्रंट पार्ट जो है फॉर्मूले के हिसाब से तीन सूत हम प्लस कटिंग करते हैं, इसलिए कि तीन सूत हमें एक्स्ट्रा फोल्ड करना पड़ता है इसमें। तो यह है बहुत ही आसान तरीका। तो इस तरीके से हम पैर की सिलाई लगा ली है, यहाँ भी हम लव की सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हम
होजरी फैब्रिक में सिलाई लगाकर दिखाएंगे कि होजरी फैब्रिक में किस तरीके से सिलाई लगाया जाए जो उसकी सिलाई न टूटे। तो ये दोस्तों यहाँ पे स्टिच हो गया, डबल स्टिच भी हो गया। चलें अब हम होजरी पे सिलाई लगाकर दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों होजरी का फैब्रिक, चारों तरफ से लेकरा है, इसमें चारों तरफ से एस्टेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हम आगे से इसको खींच कर सिलाई लगाएंगे, जितना आप खींच सकें उस तरीके से आप खींच सकें। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे सिलाई बिल्कुल नहीं टूट रहा है। यहाँ देखिए ऐसे हम करके आपको दिखा देते हैं कि सिलाई इसका बिल्कुल नहीं टूटा है। अब इसको बॉटम फोल्ड यानी कि हेम फोल्ड करना बताते हैं कि हेम फोल्ड कैसे करेंगे। तो यहाँ भी दोस्तों वही हम काम करेंगे, आगे का हाथ जो है उसको खींच कर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर सिलाई आप लगाते हैं तो सिलाई कभी नहीं टूटेगी। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे आप होजरी का कोई चीज़ बनाते हैं तो 11 नंबर से 9 नंबर तक यानी कि 9 से 11 तक ही नीडिल यूज करें। अगर आप मोटा नीडिल यूज करते हैं तो यहाँ पे सिलाई कटने लगेगी। चले अब हम जरासीम 1 की सिलाई कर लेते हैं, इसके बाद जरासीम 2 करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन ले लिए हैं दोस्तों। अब हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जैसे बहुत से फैब्रिक होता है खिसकने वाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खिसक गया। तो इस तरीके से बहुत से कपड़े आते हैं जो आदमी परेशान हो जाता है कि कैसे बनाया जाए। तो इसको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यह है दोस्तों पहला तरीका, दूसरा तरीका भी हम दिखाएंगे। इसको हम कहते हैं जरासीम स्टिचिंग। तो यहाँ पे सिलाई लग गया दोस्तों। अब हम इस तरीके से सिलाई को फोल्ड कर देंगे यानी कि सिलाई हमारा ऊपर दिखना चाहिए, और उसी सिलाई पे हम दोबारा एक और स्टिचिंग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोबारा सिलाई हम लगा लिए। अब इसको फिर फोल्ड कर देंगे ऐसे, और उसी लग पे, बिल्कुल उसी लग पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से सिलाई लग गया। अब यहाँ हम खींच कर आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों कि इसका सिलाई नहीं खिसक रहा है। चलें फिर इसका लास्ट तरीका दिखाते हैं। यहाँ भी हम 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। अगर जैसे आप ब्लाउज बनाते हैं तो वहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच जो भी मार्जिन लेना चाहते हैं साइड में, उस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से मार्जिन हम चीर देंगे। मार्जिन चीरने के बाद हम एक सिलाई लब पे लगाएंगे ऐसे, दोनों मार्जिन को इस तरीके से बैठा लेंगे। उसके बाद लब की सिलाई ऐसे लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों मार्जिन को सीधा कर लेंगे ऐसे, दोनों साइड से हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर वही लब पे सिलाई लगाएंगे। ये तरीका दोस्तों खिसकने वाले ब्लाउज में आप यूज कर सकते हैं, जैसे साइड और बटन पट्टी पे, इसलिए कि बटन पट्टी और साइड में ज़्यादा दिक्कत होती है, खिसकता है। तो यहाँ देख रहे होंगे बिल्कुल फैब्रिक नहीं खिसक रहा है। सिलाई से संबंधित सभी जानकारियाँ पूरी हुई। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।